जय श्री राधे कृष्णा जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हो रही है और टाइम हो गया है 8:30 बजे का। तो आज मेरी ड्यूटी लगी है रोटी बनाने की, खाना बनाने की। तो मैंने लस्सी वाली कढ़ी और उसमें पकौड़े वगैरह डाल के सब्जी तैयार कर दी है और मक्की की रोटी बन रही है, क्योंकि कढ़ी के साथ ना मक्की की रोटी बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पर लगा हुआ है वीडियो, तो ये आपने बताना कि इसका वीडियो लगा हुआ है, ठीक है? अब बता हो ही सकता है जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा। और यहाँ पर काई बन रही है, ये पंकज के व्रत है उसके लिए बन रही है काई। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ सभी के लिए खाना, क्योंकि थोड़े से चावल बनाए थे और ज़्यादा बनाई थी मक्की की रोटी और कढ़ी, बहुत टेस्ट। कभी कभी बनाओ ना कढ़ी तो टेस्टी लगती है। मतलब एक हफ्ते के बाद आ ही जाती है सब्जी बनाने की बारी, तो बारी बारी जैसे भी टाइम लगता है, लेकिन पकौड़े डाल के ना मुझे बहुत टेस्टी लगती है, ठीक है? और चावल मैंने पतीले में बनाए थे, ऐसे जल्दबाजी में करना तो कुकर में भी बना देते हैं, ठीक है? तो आओ आप भी खा लीजिए खाना, मक्की की रोटी चावल और कढ़ी बनी है, ठीक है? तो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी थी मैंने सुबह, जब मैं लंच बना रही थी, खाना बना रही थी। तो आज मक्की की रोटी और कढ़ी, पकौड़े वाली कढ़ी बनी हुई थी। और उसके बाद फिर कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि घर का छोटा मोटा ही काम था वही किया है। और अब टाइम पता नहीं क्या टाइम हो गया, मैं हस्बैंड जी के फ़ोन में करती हूँ ज़्यादातर, बनाती हूँ वीडियो जब ये घर पर रहते हैं, और फिर जब चले जाते हैं कहीं काम पे तो मैं अपने फ़ोन में शूट करती हूँ। पर मेरे फ़ोन का ना कैमरा नहीं है ठीक, तब ने मैं इसमें बनाती नहीं हूँ वीडियो ज़्यादातर। और इनका जो इनके जो फ़ोन का कैमरा है ना वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? तो 3:40 हो गए, ठीक है? और थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे और उसके बाद अब चलते हैं, क्योंकि हमें पशु भी अंदर करने, शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा मक्खी लग जाती है। कल शनि है और फिर बच्चे बोल रहे थे ना कल हमने स्कूल चले जाना, शनिवार है कल, तो कल बोल रहे थे कि स्कूल चले जाना, ये वो तो कल ही लगे पता, ऐसे तो सोमवार को खुलेंगे स्कूल, ऐसा सुना था मैंने। ऐसे भी हम स्कूल वाले बोल रहे थे नीचे कि सोमवार को ना स्कूल खुल जाएंगे, तो जो उनके जो स्कूल का पीछे का ग्राउंड है ना, ग्राउंड में वो खेत है तो उसका घास काट देना भाई, सोमवार को ना स्कूल खुल जाएगी तब भी मुझे पता। पर हमारे बच्चे ऐसा बोल रहे थे हमने शनिवार को चले जाना है स्कूल, तो शायद कल भी जा सकते हैं स्कूल। तो अब क्या रूटीन रहेगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो पशु अंदर करने, उसके बाद चाय बननी, और चाय के बाद फिर हम ना शाम गाँव में, पता नहीं अब पूरे हिमाचल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ शाम के टाइम बनाते हैं बाहर, शाम के टाइम में मतलब जब रेस्ट करते हैं ना, खाना खाने के बाद जब रेस्ट करते हैं, तो रेस्ट करने के बाद जब फिर दोबारा काम पर चलने लगते हैं ना, तब अपने बाल बनाते हैं। तो अभी मुझे बालों में कंघी करनी है, और फिर उसके बाद नीचे जो आंब की लकड़ियां थी तो छोटी छोटी मैंने उसके बोझे बनाकर घर पहुँचा दिए हैं, ठीक है? अब बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, वो मशीन से काटनी पड़ेगी, मशीन मतलब लकड़ी काटने की मशीन है हमारे पास, उसको ले जाएंगे नीचे और उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे वहाँ पे, और फिर देखेंगे अगर बच्चे क्या काम करना है इन्होंने, अगर इनका स्कूल का होगा तो हमने गाड़ी, हम गाड़ी ले जाएंगे, गाड़ी की डिग्गी में लाएंगे उनको। चलो देखते हैं, जो भी रूटीन रहेगी आपके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो पशु अंदर हो गए, उसके बाद चाय होगी, चाय के बाद चाय पीने के बाद बालों में कंघी, और कंघी करने के बाद फिर चलते चलते अगला ब्लॉग शूट होगा, ठीक है? तो चलो इतने मैं इतना सा काम कर लेती हूँ पहले। तो मैं बाहर आ गई हूँ और पशु अभी बैठे हुए हैं, जब ये उठेंगे ना तब इनको मक्खी लगेगी ज़्यादा, तो जितने को ये बैठे हैं उतने को मैं अपने बालों में कंघी लगा लेती हूँ और चाय भी बना लेती हूँ फटाफट से। और मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, क्योंकि ये मेरी बहुत मेहनती ड्रेस है ये वाली, ठीक है? जो आप पिछले साल के ब्लॉग देखेंगे वो भी इसी में ही है, और इस साल के ब्लॉग भी ज़्यादातर इसी में ही है, क्योंकि हमने खेतों का काम करना होता है हमें ना, तो हमें उसके लिए स्पेशल ड्रेस रखनी पड़ती है। तो मैंने दो ड्रेसें रखी हुई थी जो मैंने सुबह पहनी हुई थी, तो पशु नहला कर ना पूरे भीग जाते हैं, तो मैंने उसको फिर चेंज कर दिया है। और ये भी मेरी बड़ी मेहनती ड्रेस है, इसमें मैं सारा काम करती हूँ। एक तो ये बिल्कुल नरम कपड़ा है, ठीक है,
जैसे कॉटन का कपड़ा होता है ना उसी तरह का है, पर ये कॉटन नहीं है, मिक्स है शायद, कपड़े की ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन मुझे नरम नरम जैसा कपड़ा लगता है, ठीक है। और खुले खुले भी ये काम करते वक्त ना कपड़ा नहीं लगना चाहिए आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना पड़ता है जब हम काम करते हैं। तो फटाफट से मैं पहले चाय के लिए पानी रख लेती हूँ और फटाफट से बालों में कंघी कर लेती हूँ, और कंघी करने के बाद टीन जो भी होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है। तो हस्बैंड जी देख रहे हैं जो लकड़ी काटने की मशीन होती है ना, उसको देख रहे हैं कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये सुबह भी गए हुए थे, किसी और ने बुलाया था सूखा पेड़ काटने के लिए, तो वहाँ पे गए थे, बोले वहाँ अच्छी मतलब अच्छे तरीके से ना चला नहीं रही थी, बार बार रुक रही थी, तो उसको देख रहे हैं कि ठीक है कि नहीं ठीक है। और अब मैं कर लेती हूँ अपना थोड़ा सा काम, पंकज भी आ गया, चाप जल्दी जल्दी पियो, घास काटो ममता, ऐसा ये बन जा पित्रो बड़ू रही है पाक रही ब्रो बड़ू रही, देखो हमारे मुन्ने कितने शरीफ ही, सारे लोग यहाँ पर चाप पी रहे हो, सभी झूठ बोल रहे हैं, कल ना स्कूल से जाना है, तो 4:10 हो चुके हैं और पशुओं को अंदर, पशुओं को बांध रहे हैं अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा मक्खी लग जाती है शाम के टाइम ना, 2-3 दिन हमने बाहर रखे पशु, तो पशुओं को ना मक्खियों ने बहुत बुरा हाल कर दिया। तो ये रहा SBM स्कूल वाले का आंगन और ये बरामदा है इस तरफ, ठीक है, पीछे आगे टीन का शेड है और पीछे तो ये है वो आम की बड़ी बड़ी टहनियाँ, इनको काटेंगे पतिदेव जी और पंकज के यहाँ इकट्ठे करेंगे और से लेकर गाड़ी की डिग्गी में घर पहुँचाया जाएगा। तो 5 दिन हो गए मुझे इन लकड़ी को इकट्ठे करते करते और मैं जा रही हूँ घास लेने, और एक यहाँ पे और पार्ली तरफ नया मकान बन रहा है, ये मैंने आपके साथ वीडियो पहले ही शेयर कर दिया था कि हस्बैंड जी यहाँ ना छत बनाने के लिए गए हुए हैं, और ये यहाँ से ऊपरी मंजिल के लिए पौड़ियाँ बनाई हुई है, ये भी हस्बैंड जी ने बनाई हुई है, ये ग्रिल भी हस्बैंड जी ने लगाई हुई है, फिर उनके रेलिंग का काम ना यही करते हैं। और मुझे काटना है इस खेत में घास क्योंकि यहाँ से होकर जाते हैं बच्चे झूला झूलने के लिए यहाँ पे, ठीक है। अरे बाप रे बाप, देखना मैं वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि मैंने इसको ना उखाड़ना था मतलब नीचे से, तो जो SBM स्कूल वाले की PN है ना उसने तो इसको काट दिया और इसके तो बहुत बुरे हाल कर दिए, अब क्या होगा इसका, अब ना तो ये उखाड़ा जाएगा नीचे से, देखो कैसे उखाड़ना है इसको, बड़े बुरे हाल कर दिए। मैंने बोला था उसको भी रहने देना, मैंने खुद उखाड़ना इसको क्योंकि मैंने पहले घास काटना था इसका और उसके बाद ही इसको उखाड़ना, या तो फिर इसको ही उखाड़ लेना था पहले, बाद में काटना था मैंने घास, है ना, ये तो बड़ा बुरा हाल हो गया। अब क्या थोड़ा सा बचा है उस तरफ, इसको मैं उखाड़ दूँगी, अगर नीचे से उखाड़ेंगे ना तो अच्छा रहेगा बच्चे को खेलने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आएंगे ना उसके लिए तो ये पाँव में लग सकते हैं, क्योंकि कोई कोई बच्चे ना जूते निकाल कर भी आते हैं ऊपर, तो ये तो सारा गलत काम हो गया। चलो मैं काट लेती हूँ फटाफट घास, क्योंकि देखो किस तरह का मौसम बना हुआ है, एकदम से दड़ा लगने वाली है बारिश की, क्योंकि बरसात के मौसम में ना कोई पता नहीं होता। और ये लाई हूँ मैं तरपाली, इस पर ले जाऊँगी मैं घास, तो फटाफट से मैं काट लेती हूँ घास, तो क्योंकि ये आजकल का मौसम जो होता है ना इसका पता नहीं होता कब, जैसे बारिश लग जानी ये काम रह गया वो काम रह गया, पता नहीं कितने काम करते हैं फिर भी रह ही जाते हैं, ठीक है। तो इस पे फ़ोन भी आ रहा है क्योंकि आज हस्बैंड जी के फ़ोन में लगा हुआ सुबह का व्लॉग बनने, मैंने सोचा चलो इसी पे बना लेती हूँ, या तो फिर एक दूसरे फ़ोन से ना वीडियो व्हाट्सएप करो फिर बड़ा पंगा होता है, तो मैं इसी फ़ोन पे बना रही हूँ। और इस वीडियो का एंड कब जैसे करूँगी, किंग करने का टाइम भी हो जाएगा क्योंकि 4:30 बज चुके हैं और 5:30 बजे ना फिर मिल्किंग करनी होती है। तो इस घास को ना मैं इस तरह से उखाड़ना था नीचे से, ये देखो कांग्रेसी घास बोलते हैं ना इसको, तो किसी किसी को इससे रिएक्शन होता है किसी किसी को,
पर मुझे नहीं अभी होता, और धूप पर नहीं उखाड़ना चाहिए इसको ना, बारिश का मौसम हो तब उखाड़ना चाहिए। तो मैंने इस तरह से उखाड़ना था इसको, पर अब क्या करें, इन्होंने तो काट दिया है। ठीक है, अब चलो जो बच्चा है उसको उखाड़ लूँगी मैं, ऐसे नीचे से उखाड़ेंगे ना तो बच्चे के पाँव में नहीं लगेंगे फिर। देखो इस तरह से, तो इतनी इतनी सी घास है, अगर बाजरा होता ना तो जल्दी हो जाना था। अब ये छोटी छोटी घास है, इसके लिए तो टाइम लगेगा। और ये जो ये है इसको एक एक करके ना उखाड़ना ही पड़ेगा। तो घास के 5-6 फोड़ काट दिए मैंने ना, पर बारिश लग गई बहुत ज़ोरों से, और अब मुझे जाना है मिल्किंग करने के लिए भी, लेकिन थोड़ी सी थम जाती तब फोन भीगना, और मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसे भी भीग ही गई हूँ थोड़ी बहुत ही। ठीक है, तो ये सरवों का बूटा है ना, इसके नीचे नहीं आ रहा है पानी, ऐसे तो वहाँ भी है खड़ने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर ना बकरियाँ छोड़ी हुई थी वहाँ पर जैसे, तो उनको देख रही थी मैं कि वो कहाँ गई होगी, तो आम के नीचे खड़ी होगी है, क्योंकि बहुत तेज ना बारिश लगी। और शाम के टाइम पे जब बारिश लगती है ना तो ये रुकती भी नहीं। तो घास काटते काटते मुझे बहुत ज़्यादा बारिश